हेलो सो गाइस, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पीटीईटी 2023 के बारे में कि इसके अंदर कितने मार्क्स तक कॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीटीईटी 2023 का जो पेपर हुआ था वो दो तरह से हुआ था। एक तो हुआ था 4 ईयर्स वालों के लिए, एक हुआ था 2 ईयर्स वालों के लिए। तो 4 ईयर्स वालों के लिए बात करते हैं तो इसके अंदर क्या सीटें थोड़ी कम है और इसके अंदर क्या थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन 2 ईयर्स वालों की बात करते हैं तो इसके अंदर सीटें लगभग 1,25,000 प्लस इसके अंदर सीट है। और इसके अंदर के जो जिन लोगों ने पेपर दिया था टोटल वो 3.5 लाख थे लगभग। तो लगभग यानी कि एक सीट के अंदर 2 से 3 बच्चे ही रहने वाले हैं। तो इसके अंदर थोड़ी कट ऑफ कम जाने वाले हैं। लेकिन 4 ईयर्स वाले की बात करते हैं इसके अंदर सीटें थी 40,000 के आसपास और इसके अंदर जो कंपटीशन थोड़ा भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। इसके बारे में बाद अपन बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन 2 ईयर्स वाले की बात कर लेते हैं। अगर यदि कोई बंदा जनरल का है और उसके अगर 360 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसको पीटीटी के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के अंदर अगर 350 के आसपास होने चाहिए। एससी की बात करते हैं तो 340 के आसपास होने चाहिए। और अगर यदि एसटी की बात करते हैं तो लगभग 315 प्लस मार्क्स उसके अगर हैं। ये बता रहा हूँ मैं साइंस वालों की। ठीक है, जबकि आर्ट्स वालों की आप सभी को पता ही है कि आर्ट्स वाले की जो कट ऑफ रहती है वो बहुत ही कम जाती है। यानी कि जिस भी बंदे की जनरल कैटेगरी का होगा और उसके भी अगर यदि 280 या 90 नंबर है तो जनरल वालों को भी पीटीटी के अंदर कॉलेज मिल जाएगा यदि आर्ट्स से है तो। जबकि साइंस के अंदर थोड़ी कट ऑफ क्या रहती ज़्यादा जाती है। वहीं पर 2 ईयर्स वालों की बात करते हैं, 2 ईयर्स वालों की लगभग इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। इसके अंदर 10-15 नंबर मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।